नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी रिजर्व अकेडमी पर। और रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जो स्टेट्स और UGC और बच्चे इनके बीच में एक टसल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नतीजा 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है, रिजर्व कर लिया है। पर फिर भी 3 दिन का बीच में समय दिया था ये कि अगर किसी को कोई और एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट पेश करने हैं, कोर्ट में रखने हैं, तो वो रख सकता था। तो ये देखिए कुछ म्यूजिकल आर्गुमेंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आगे बात करते हैं अपन कि क्या हो सकता है। क्योंकि कल या एक दो दिन में, वैसे तो मंडे कह रहे हैं, पर एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिजल्ट निर्देश आने वाला है कि रिजल्ट आएगा या एग्जाम होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हाँ तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। हाँ तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। तो UGC कहती है, हो झूठ बोल कर ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से। क्योंकि चांसेस यही है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के फेवर में देगा, तो हो सकता है UGC का दिल टूट जाए। पर इसी बीच में बच्चे क्या कहते हैं, जिनके मन में रिजल्ट की आस है, तो रिजल्ट को कह रहे हैं, वो रिजल्ट को दिमाग में रख के बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे और सभी स्टेट्स। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं, जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुम्हें हमको आया नहीं। दिल तो है अपन जाने क्यों, धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। भाई बच्चों के मन में तो रिजल्ट की आस है, पर अगर आप सारे इफ एंड बट्स, सारे लॉजिक्स और सारे समीकरण को मिलाकर देखेंगे, तो जो दिखता है, जो लगता है, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला तो वो ये कि वो सभी को कॉमन आदेश दे दे कि भाई ऐसी सिचुएशन है, कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, तो इस साल आप रिजल्ट ही निकाल दें और पिछले सालों के मार्क्स के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करके और आप थर्ड ईयर का रिजल्ट निकाल दें, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट्स हो चुके हैं। ये सेशन के काफ़ी एंड में आई है ये दिक्कतें। दूसरा रिजल्ट या दूसरा जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ये हो सकता है कि वो कह दे कि भाई ये सब स्टेट के ऊपर है, स्टेट जाने और उनका काम जाने, स्टेट अपना अपना खुद संभालो, तब भी फिर स्टेट्स पर आ जाएगी। तो स्टेट्स तो वैसे ही खुद अपने डिसीजन ले ही रहे थे पहले भी, तो उस हिसाब से अपने राजस्थान में BTR भी खुद डिसीजन ले पाएगा। वैसे भी पहले भी BTR ने खुद नहीं लिया था, BTR सक्षम है, तो तब भी रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ एक वर्स्ट केस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट UGC की दलीलों को मान ले और ये कहे कि जैसा UGC कह रही है वैसा करो और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लो, सितंबर में ना लो, थोड़ा सा आगे सरका के ले लो डेट को, पर एग्ज़ाम लो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा अगर मान लो कह देता है, तो यूनिवर्सिटीज़ के पास तो कोई चारा नहीं बचेगा, उन्हें किसी ना किसी रूप में एग्ज़ाम लेने ही पड़ेंगे। पर ये जो बोर्ड्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान है, ये क्या है, ये राज्य सरकारों के अधीन होते हैं और टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए AICTE को फॉलो करते हैं, जो कि रिकमेंडेशन वाली बॉडी है, ऑर्डरिंग बॉडी नहीं है, क्योंकि वो कोई ग्रांट नहीं देती है, कोई पैसा नहीं देती है बोर्ड्स को। तो AICTE रिकमेंड कर सकती है, पर बोर्ड सेल्फ सक्षम है, खुद सक्षम है वो अपने डिसीजंस लेने में। और यहाँ के जो मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी हैं और आदरणीय तकनीक शिक्षा सचिव मैडम हैं, वो पहले भी इंडिकेशंस देती रही हैं कि भाई जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो रिजल्ट आने के ही चांसेस ज़्यादा हैं।
एक जो पॉलिसी हमेशा हमें फॉलो करनी चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए प्रोग्रेसिव मैन, एक हमेशा तैयार रहने वाले इंसान के नज़रिए से अगर जो पॉलिसी हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि बेस्ट के लिए तो होप करें, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो प्रिपरेशन चलती रहे, टेक्निकल आप पढ़ते रहें, अपना अपना सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें, क्योंकि वो हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में काम ना आए, क्योंकि रिजल्ट आ जाए, पर वो जो आपने पढ़ा हुआ है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो आगे कहीं ना कहीं किसी और एग्ज़ाम में काम आएगा, तो वहाँ काम ले लेना। तो पढ़ते तो रहें, प्रिपेयर करते रहें, पर होप यही है, लगता यही है कि वही रिजल्ट आएगा। देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वापस से अपन फिर लाइव मिलेंगे और आगे की प्लानिंग करेंगे कि भैया हमें आगे क्या करना चाहिए, उस रिजल्ट के अनुसार जो भी होगा आगे देखते हैं। पर पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। उस काम की लगातार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। जिस भी काम में आप सफलता पाना चाहते हैं उसकी लगातार प्रयास बहुत ज़रूरी है, वो करते रहें। ओनली विद वी डिज़र्व अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।